सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले पाने के। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह ही बेन 10 कार्टून देखते हैं तो फिर आपके लिए एक न्यूज से कम नहीं होगा, क्योंकि हीट ब्लास्ट जो है वो वीनस प्लैनेट पर रह सकता है और वहाँ और उस प्लैनेट पर ऐसा वातावरण भी तैयार होता है और उसके क्लाउड्स बहुत ही अजीब तरह के होते हैं और वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा अदर प्लैनेट से ज़्यादा होती है और ये माना जाता है कि वहाँ पर वो सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। तो फिर दोस्तों, सवाल आता है ये कि उनके क्रू मेंबर्स को भी ये इसे पता चला कि हीट ब्लास्ट को ही लेना चाहिए, क्या उनका ताल्लुक किसी एलियन से हो सकता है, या फिर हो सकता है कि किसी एलियन ने ही हम तक मैसेज पहुंचाने के लिए उसे इस तरह का बताया होगा। और अगर मान ले कि कोई सैटेलाइट के कारण अगर हमारे इनर प्लैनेट्स में सोलर सिस्टम में से ही एक प्लैनेट है वीनस, और वीनस पर हीट ब्लास्ट रह सकता है, लेकिन अगर आप मान ले इसके डायरेक्टर को भी ये पता चला होगा कि हीट ब्लास्ट को ही लेना चाहिए, वही इस काम के लिए सबसे अच्छा रहेगा, या फिर वो उनका ताल्लुक किसी अदर प्लैनेट्स के यानी वीनस के एलियंस के साथ है, कौन जानता होगा कि हमारे चार प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट वीनस जिस पर हीट ब्लास्ट रह सकता है और मान ले तो फिर उसे पावर भी लावा से ही मिलती होगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड बाय बाय। तो फिर दोस्तों, इस वीडियो के लिए एक लाइक की तो बनता ही है और इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड बाय।